पे जुड़ जाया कीजिए। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्वांटम नंबर, क्या होता है क्वांटम नंबर। ये बेसिकली ना चार नंबर यानी कि चार सेट से जो है मिलके बना होता है, जो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको मुझे एड्रेस पे कुछ भेजना है तो सबसे पहले आपका स्टेट की जरूरत पड़ेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट की, फिर विलेज की, फिर आपके नाम की। तो इस हिसाब से आपका जो है क्या पहुंच जाएगा, आपके जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसी तरीके से मुझे अगर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना हो तो मुझे क्या लगेंगे, चार सेट लगेंगे। यानी कि कौन कौन सा, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, पहला क्या नाम होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम। ठीक है, ये 11 नहीं है, मतलब इसका क्वांटम इसका मतलब जो इसके ऐसे लिखे रहते तो सेम ही हो जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वन होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, सेल के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, सेल के बारे में। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में। और ये क्या बताएगा, और ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ठीक है, अब कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है सेल, क्या होता है सब सेल, क्या होता है ऑर्बिटल। ठीक है, मैं आपको समझाने का एक छोटा सा तरीका बताता हूं। मान लेते हैं कि ये कोई, मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, मैं दो सर्कल बना रहा हूं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूम रहे हैं। ये n है, n इक्वल टू 1। आप चाहो तो जितना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दो ही ले रहा हूं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, k, इसको k एंड इसको क्या कहते हैं, l कहते हैं। अब मुझे बताइए जहां पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसको हमने क्या कह दिया, सेल कह दिया। ये क्या है, सेल है। यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हमने क्या कह दिया, सेल कह दिया। सेल या एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। ठीक है, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। किसको, के कोमा एल कोमा एम कोमा एन, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको बस बताया कि इस तरह होता है, एम एन ओ पी कुछ भी हो। अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए के से लेके जेड तक चले गए, जेड के बाद क्या नाम लिखेंगे, जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पहुंच गए। ठीक है, एबीसीडी भी सिखा दिया। अब अगर जेड तक पहुंच गए तो उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड वन जेड टू जेड थ्री, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि सर सेल मतलब होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, उसको हम लोग सेल कहते हैं। अगर मैं यहां पे बताऊं कि इसके अंदर एक सब सेल होता है जिसको हम लोग एस कहते हो, ठीक है, मैं यहां पे एस के फॉर्म में लिख देता हूं, और यहां पे क्या पाया जाएगा, एस कोमा पी। मैं एक और बना दूं ताकि कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस कोमा पी कोमा डी।
अच्छा सर, जो जिस पे घूम रहा है उसको हम लोगों ने कहा सेल, और जिस सेल के अंदर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब सेल कहेंगे। और सब सेल यानी कि एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कितने हैं इसको हम लोग क्या कह देंगे? ऑर्बिटल कह देंगे। ठीक है, जैसे एस के अंदर एक होता है, सॉरी एस के अंदर कैसा होता है? ऐसा ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? ठीक। पी ऑर्बिटल होते हैं, थ्री जिसको ए को कहते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और डी के अंदर कितने होते हैं? क्या फाइव क्या नाम होता है? डीएक्स ठीक है, जिनको याद नहीं है आपको बस एक्स वाई जेड याद रहेगा, इतना से याद रख लोगे। डी के लिए सीक्वेंस में ही है एक्स वाई जेड, आप इसको क्या करो एक्स वाई लिख दो, तो बगल वाले को हम लोग क्या लिख देंगे? वाई जेड। फिर आप देखो दोनों लिख लिए, यानी कि एक्स वाई वाई जेड, और फिर जेड एक्स लिख दो। और फिर क्या करना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? इन सभी को लिख सकते हैं। एफ जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। अब मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेल का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, सब सेल के मतलब होता है कि किस सब सेल में, यानी कि एस पी डी एफ में जो है किस सब सेल में जो है घूम रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को पता लगा कि उसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यानी कि ये जो है एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल है, डी के अंदर फाइव है, एफ के अंदर सेवन है। इसी तरीके से जी आएगा तो उसमें नाइन हो जाएगा, और एच आएगा तो इलेवन हो जाएगा। हमने ये बातें जो है यहां से सीख ली। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना किसने दिया था? बोर साहब ने दिया था। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर। ये जो बेसिकली बताता है कि उसको किस प्रकार से नेम लिखोगे, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी साइज क्या है, एंड वेलोसिटी क्या है। एन की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाई करेगी? वन टू थ्री फोर डॉट 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 जो है इन्फिनिटी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वन से लेके इन्फिनिटी हो सकती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेगेटिव हो सकता है तो कहेगा नहीं। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जीरो आ सकता है? तो नहीं। यानी कि ये तीनों बातें नहीं आएंगी, इसकी वैल्यू वन से शुरू होती है, क्योंकि फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल इस प्रकार से शुरू होगा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। कहता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। कहता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं कि यहां से यहां तलक में जो है, आपको ज्यादा नहीं यहां तलक दिखा रहा हूं। अब डिस्टेंस अगर यहां से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, अब जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जैसे कैसे? आप लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2.18 × 10⁶ मीटर जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। मैं आपको ना दो छोटी छोटी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। मैंने माना कि हाइड्रोजन एटम के लिए, और एक बार मैंने क्या रखा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, मैंने क्या ले लिया एन वन के लिए, कितना हो जाएगा? 2.186 × Z 1 × 1 हो जाएगा, तो यानी कितनी हो जाएगा बोलिए। अगर मैंने फोर एन टू के लिए ले लिया तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.09 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यही चीज वो कह भी रहा है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइएगा वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और जिस कारण से आपको, अच्छा मैं एक और बात पूछूं, अगर मैं डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस
ठीक है, हाँ बोलिए. ओके, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस देन इट्स एनर्जी इज. अगर आपसे पूछ लेता है क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलिए. डिक्रीज. इंक्रीज होगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही डिक्रीज करता है, बाकी सभी चीजें इंक्रीज करता है. अब कहोगे कैसे सर, आपको मैंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस 13.6 इनटू क्या बताया था, जेड बाय एन का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मैं यहाँ पे E1 निकाल देता हूँ और सबके लिए मैं हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहा हूँ ज्यादा, ताकि कि हमें कैलकुलेशन ना पढ़ना पड़े. तो क्या इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, बोलिए. बोलिए सर. अगर मैं E2 के लिए निकालू तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू एन की वैल्यू 2 है यानी कि 1/4, जेड तो हाइड्रोजन नहीं है, कितना हो जाएगा -3.4. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा एनर्जी है सर, E2 की. E2. क्यों, ये 13.6 है ना, ये तो 3.4 है. सर माइनस का. वेरी गुड. अगर माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पे 13 रुपए का कर्जा ज्यादा खतरनाक है या 3 रुपए का कर्जा, 13 रुपए का, यानी कि मैं नेगेटिव में हूँ बहुत ज्यादा, यानी कि वैल्यू क्या है, छोटी हो जाती है. यानी कि नेगेटिव में जो बड़े वैल्यू, नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम छोटी ले लेते हैं, और यहाँ से इस प्रकार से जो ये हो जाता है. ओके, मैं अगर एक और बात पूछूं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस देन इट्स रेडियस, बोलिए क्या होगा, इंक्रीजेस. ठीक है, कोई मुझे बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, आर इक्वल टू 0.53 इनटू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय जेड, और ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. n की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस आपका बढ़ते चले जाएगा. यही बात कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल. अगर मैं कहूं कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इक्वल टू 2n² हो जाता है. अगर मैं पूछूं, मैं यहीं पे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके बता देता हूं, अगर मैं पूछूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितना हो जाएगा, 2n² जैसे मैं यहां पे इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाता हूं, ये क्या है, न्यूक्लियस और, अच्छा सर्कुलर नहीं बन रहा है तो आप लोग गुस्साइएगा नहीं, कॉपी में थोड़ा ज्यादा अच्छा सर्कुलर बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा खराब बनता है क्योंकि यहाँ लिमिटेशन हो जाती है, हाथ घुमा नहीं सकते प्रॉपर. ठीक है, ओके, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये n=1 है, ये n=2 क्या है, 2, और ये n=2 क्या है, ये n=4. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू क्या होगा, 2n² और यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल,
यानी कि किस सेल में जो है कितना पाया जा रहा है, कौन सा सेल, पहला सेल है। अच्छा, इसी को ना ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, के एल एम एंड एन कहा जाता है। ठीक है, बोलिए, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेल में, अगर मैंने बात किया फर्स्ट सेल में, तो एन की वैल्यू वन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, टू एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू इंटू वन का स्क्वायर इक्वल टू टू। इसी तरीके से एन इक्वल टू टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अब यहां पे एन की जगह टू रखेंगे, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू एट हो जाएगा। एन इक्वल टू थ्री में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू, थ्री का स्क्वायर नाइन, और एट नाइन इंटू टू कितना हो जाएगा, एटीन हो जाएगा। अगर मैं एन इक्वल टू फोर पे पूछूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, थर्टी टू हो जाएंगे, फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टू। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में टू, और यहाँ पे कितने पाए जा रहे हैं, एट, और यहाँ पे एटीन, एंड यहाँ पे थर्टी टू। सर अगर और इससे ज्यादा अगर हम बढ़ा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे टू एन स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इंटू टू यानी कि फिफ्टीन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों जब इलेक्ट्रॉन भरते होंगे, क्या कह रहे हैं आप लोग मैसेज में, कुछ कह रहे हैं क्या, मैजिक नंबर ही बोला जाता है, सब बोल रहे हैं। हाँ, अभी वही मैजिक नंबर बताने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो देखा होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है ना, वो टू कोमा एट कोमा एट कोमा एटीन कोमा एटीन, खैर हमारा इसी से काम चल जाता है, ये पुराना तरीका है। इनको हम लोग मैजिक नंबर के नाम से भी जाने जाते हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर ये 2, 8, 18, 32 को मैजिक नंबर कहा जाता है या इसको कहा जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का जो तरीका है इसी यही तरीका है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप 2n स्क्वायर का जवाब देंगे, बट अगर वो मैक्सिमम ना पूछ रहा हो, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों, ये फॉर्मूला हमने बनाया है किस लिए, ताकि कि आपको पता लग सके किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर कहोगे सर ये कैसे बनाया, आपको जब मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो वहां बताऊंगा कि जो एटम होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जब वो ऑक्टेट होते हैं। एक्चुअली ये नियम भी गलत है, इस चीज को सुधारता है कौन है, एसपीडीएफ, लेकिन फिलहाल फिर भी आप लोग इसको याद रखिएगा कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2, 8, 8, 18, 18 के फॉर्म में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, बोलिए, यहां तक अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसको जो ना रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, अभी आपको एजिमिथल के बाद जो है आपको ज्यादा से समझ में आएंगे। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफेल्ड, जो एजिमिथल क्वांटम नंबर है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सोमरफेल्ड ने। ये क्या बताता है, सबसेल ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ये तीन लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाली एंड ये, यहां से पूछा गया था कि इट्स रिप्रेजेंट सेफ सबसेल ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब वो आपसे पूछेगा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो आप सीधे सीधे जो मैंने पहले लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल और एजिमुथल क्वांटम नंबर सबसेल एंड जो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है क्या बताता है, ऑर्बिटल के बताता है। सब सेल क्या होता है, जहां पे सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमने के जो प्रोबेबिलिटी होती है, अभी आपको बताएंगे कहां कहां जो है ज्यादा पाया जाता है, नोडल बताएंगे तो वहां पे सर्च जाएंगे।
तो हमने क्या कहा कि जहां पे सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसको सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर जो है sp(d)f जो होते हैं सब सेल होते हैं, ठीक है। और sp(d)f के अंदर क्या होते हैं, घर बने होते हैं, यानी कि डब्बे बने होते हैं। उन डब्बों को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल कह देते हैं। फिर मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि सेल के बारे में, एनर्जी के बारे में, कि कैसे बढ़ेगा, वेलोसिटी के बारे में और इनके बारे में बताता है। मैंने कहा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सभी चीजें बढ़ती है एक्सेप्ट वेलोसिटी के, बाकी सभी चीजें बढ़ जाती है। तीसरी बात बताई कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप कह दीजिएगा 2n² और एक्चुअल में कितने पाए जाते हैं, 2, 8, 8, 18, 18 पाए जाते हैं, 32 भी कर सकते हो, 32। फिर हमने कहा एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो आपको बताता है सब सेल के बारे में एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ये मैंने आपको, अगर जब बोर्स मॉडल याद हो तो वहां पे बताया था एम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, और वहां पे मैंने क्या कहा था nh/2π हो जाता है। लेकिन आपको इसको तो वहां पे याद करने के लिए कहा था, याद कर लेंगे। अब आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम याद करना है, L(l+1)h/2π। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हम L की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो आप फिकर नोट मत कीजिएगा, अभी जस्ट आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे लेना है, ठीक है। यहां N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल कह दूं, जो कि अभी आपको बताया था, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले को एकदम डाई हार्ट याद रखना है, एकदम बिल्कुल दिल में, कि ऐसा कभी भी पूछे एंगुलर मोमेंटम L(l+1)h/2π, बस आपको याद रखना। खैर अगर ये देखो तो n(n+1) है, बस n की जगह क्या कर देना है, l कर देना है, ठीक है। तो यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है बताता है। अच्छा, एजिमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि l की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं पहले l की वैल्यू निकालना आपको सिखाता हूं। आप क्या कीजिएगा कि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी लोगे, जीरो ले लेते हैं, ठीक है। p के लिए क्या ले लेते हैं, वन, और d के लिए क्या ले लेते हैं, टू, और f के लिए क्या ले लेते हैं, थ्री ले लेते हैं। ये l की वैल्यू लेते हैं, ये काफी ज्यादा आसान है वैसे याद रखना। s यानी कि शुरू होता है जीरो से, शुरू कहां से करते हैं, जीरो से। p मतलब जो है एकदम प्रथम, हिंदी में प्रथम का मतलब क्या होता है, फिर d का मतलब क्या होता है, दूसरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। खैर ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, बस मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये तो वैल्यू आपको पता लग गई कि s के लिए हमें क्या लेना है, जीरो, p के लिए क्या लेना है, वन, d के लिए लेना है, टू, f के लिए क्या लेना है, l। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू लाइज करती है l इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, आगे मैं बताऊंगा, मैं लिख देता हूं एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई जाती है, -L2+L लाई जाती है। अगर आपने, अब कहोगे सर L हमें कैसे पता लगेगा, तो आपको क्या करना है, n-1 कर देना है, तो ये L की वैल्यू निकल जाएगी। किसी के लिए भी निकालना है कि L जो है कितना हो जाएगा, तो n-1 कर देना है, तो आपको L की वैल्यू निकल जाएगी कि कौन सा ऑर्बिट है। अभी धीरे धीरे आपको समझ में भी आते चले जाएगा, जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपकी क्लियरिटी बन जाएगी। हमने अभी तक आपको बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr=nh/2π, ठीक है। ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर मैं पूछूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट l, इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर। और एम वी आर बोर्स के अनुसार से क्या था, एन एच टू। अगर मैं यहीं पे कह दूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई। अब यहां से एल भी निकाल लोगे, कहोगे हाँ सर कैसे निकालना है, आप एस के लिए देखेंगे पी के लिए देखेंगे तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी सभी की एनर्जी बराबर होगी, एस की पी की डी की, वन एस टू एस थ्री एस थ्री डी, सभी की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अगर मल्टीपल होंगे तो उसकी एनर्जी बराबर नहीं होती है, उसके लिए एन प्लस एल के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इफ एन इज सेम देन एनर्जी ऑफ सबसे इंक्रीजेस ऑफ वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेस। अब देखो जब यहाँ पे क्या हो गया कि एन की वैल्यू, यानी कि एन यहाँ पे टू है, यहाँ भी टू है, तो अब आप मुझे बताओ कि किसको कहोगे किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जिसका यानी कि पी, यानी कि जिसका एल वैल्यू बड़ा होगा, यानी कि उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी किसकी वैल्यू। यहाँ पे एस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी वैल्यू लेनी है, जीरो। पी के लिए क्या लेना है, वन। अब मुझे बताइए जीरो बड़ा है या वन, वन, एनर्जी होगी टू पी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, और यहाँ पे क्या है टू, यहाँ पे किसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर जो तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो आप सिंपली देखेंगे एस पी डी एफ जिसका लास्ट में आता है वो जो है क्या हो जाता है, ज्यादा एनर्जी हो जाता है। ठीक है, अब वो कहता है इफ एल इज सेम, अगर हो सकता है कि यहाँ भी एल जीरो है, यहाँ भी एल जीरो है, और यहाँ भी एल जीरो है, तो किसको ज्यादा कहोगे, जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसकी एनर्जी ज्यादा है। मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। एस पी डी एंड एफ, इसमें कितने हो जाएंगे, एल की वैल्यू जीरो वन टू एंड थ्री हो जाएगा, ठीक है। एस जीरो वन टू थ्री। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊं, आप लोग मुझे बताइएगा कि कितनी वैल्यू एल की होंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं एक सिंपल सा देता हूं, आप मुझे बताइए 2s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाता है, मैं ओ ए एम लिख दूं, नहीं तो बाद में आप कहोगे क्या लिख दिए सर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाय टू पाई। अब यहां पे मुझे बताइए एस है, तो एस के लिए हम लोग क्या लेंगे, एल की वैल्यू जीरो, जीरो, और जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। अब कहोगे क्या सर जितने भी एस होंगे सभी का ऑर्बिटल मोमेंटम जीरो होगा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे ना टू पी ले लेता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू पी के लिए वन इंटू एच बाय टू पाई, छूट गया है इंटू एच बाय, और यहां पे जैसे लिखिएगा तो कितना हो जाएगा वन
वन प्लस वन यानी कि कितना हो जाएगा टू, वन प्लस वन यहाँ पे लिख भी ले देता हूँ, वन प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई, यहां से क्या हो जाएगा इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा रूट टू एच बाय टू पाई। अच्छा यहाँ पे एच बाय रूट टू पाई भी दिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि इस प्रकार से हमने क्या करना है निकालना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है मुझे ये तो समझ में आ गया कि एस के लिए जीरो लेना है पी के लिए जो है लेना है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है ठीक है ओके ये मैग्नेटिक क्वांटम। अब यहां से अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि सर मेरे लिए एल का वैल्यू निकालना जैसे यहां पे 2p है, ये 2 जो है क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है ठीक है, ये जो 2 है वो किसको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये जो p है ये किसको बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। क्योंकि बड़ा आसान है सर मेरे को तो अब पता लगा कि यानी कि जो है टू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो पी या एस है डी है एफ है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये दोनों तो बड़े आसान है सर, हम तो बड़े आसानी से देख के बता सकते हैं। हाँ यहाँ तलक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत आती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आती है क्योंकि वह पार्ट वही पार्ट अगर समझ में आ गया तो आपको क्वांटम नंबर के क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं आएंगे। आपको बस अभी तक दो फॉर्मूले याद रखने हैं एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू h nh बाय 2 पाई और इसका कितना हो जाता है अंडर रूट l इनटू l प्लस 1 इनटू h बाय 2 पाई हो जाता है। हमें s p d f का आपको l की वैल्यू निकाल लोगे, हां एस के लिए जीरो शुरू होता है, पी प्रथम वन होता है, डी दूसरा होता है, तो टू होता है, एफ क्या हो जाता है थ्री हो जाता है ओके। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है इसी को ध्यान से सुनिएगा, यही अगर आप लोग समझ गए तो आपको किसी तरीके का कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिले। सबसे आसान कौन सा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन स्पिन, क्योंकि आपको अपवर्ड एंड डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन देख के बताना है ओके। अब हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं एम से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से। अच्छा कहीं ना एमएल भी लिखा हुआ तो घबराइएगा नहीं, आप समझ जाइएगा कि कहां से, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैंडे। इसको जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था तो लैंडे साहब ने जो है यहां पे क्या करा था कि जो इसको बताया था कि ये जो होते हैं इट इज रिप्रेजेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि कहां पे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, किस घर में पाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में स्टेट बता दिया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट बता दिया, तीसरा आपको बताएंगे कि घर कौन सा है, क्योंकि घर ही में तो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सबका घर सेम हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट तो कोई भी पहुंच सकता है ठीक है। तो अब यहाँ पे हम विलेज की बात कर रहे हैं तो विलेज में आपको घर ढूंढना होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि जो एम की वैल्यू होती है वो माइनस एल से लेके प्लस एल होती है ठीक है, वो जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है माइनस एल टू जो क्या हो जाती है प्लस एल हो जाती है। अब कहोगे सर हम एल की वैल्यू कहां से निकाले, आपने जो है निकाल लिया है एस के लिए हम लोग क्या करेंगे जीरो, पी के लिए क्या ले लेंगे वन, डी के लिए क्या ले लेंगे टू एंड एफ के लिए क्या ले लेंगे थ्री ठीक है ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे यहां पे देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा ना पहले आपको एक पॉइंट से समझाने का प्रयास करता हूं तो हकीकी आपको ज्यादा समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे मैं सेप बाय सेप भी बनाता हूं आपको समझाने के लिए, एस है ठीक है, यहाँ पे क्या है एस है, एस के लिए एल की वैल्यू ये क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिखूं एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू, दूसरा मैं एम की वैल्यू लिखूं
थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, एल एंड यहां पे ए. अब एस के लिए एल कितना होगा? और आपको पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से होता है? माइनस एल से लेके प्लस एल होता है, तो माइनस जीरो से जीरो. अच्छा ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ना इंटीजर वैल्यू लगते हैं. इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, तीनों को मिला के क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं. तो यहां पे तो जीरो ही हो जाएगा. अब मुझे बताइए पी के लिए क्या होगा? वन. तो इसकी वैल्यू तीन वैल्यू लाई करेंगे, एक कौन सी वैल्यू करेगा? माइनस वन, जीरो एंड यहां पे क्या लाई करेगा? वन. इसकी वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो माइनस एल से लेके प्लस एल होती है. बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां जीरो था तो इसलिए जीरो से. अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि कैसे होते हैं. और यहां पे डी, डी के लिए कितना लेते हैं? ठीक है. अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस टू, माइनस वन, जीरो कॉमा कितना हो जाएगा? वन टू. और एफ के लिए क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा. माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन कॉमा टू कॉमा थ्री. बोलिए याद लग किसी को कोई दिक्कत? एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल. स्फेरिकल होता है. और पी का जो होता है? डंबल. डंबल होता है. लोगों ने डंबल देखा होगा, बॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं डोले सोले. डी का मतलब क्या होता है? डबल डंबल. डबल डंबल. डबल डंबल. और एफ का क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. लीफ लाइक स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई भी एक नाम दिया रहेगा. ओके. अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसी कारण से, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं एस के लिए ये एक ही ऑर्बिटल होता है और ये जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? जीरो. पी के लिए यहां नहीं आएगा, इसको नेक्स्ट पेज में बनाना पड़ेगा. यहां पे देखिए एस के लिए एक वैल्यू आ रहा था तो एक ऑर्बिटल, पी के लिए तीन वैल्यू आ रहे थे तो तीन ऑर्बिटल, और डी के लिए फाइव वैल्यू आ रहे थे इसीलिए जो है फाइव ऑर्बिटल थे. वन टू थ्री फोर एंड फाइव. एफ के लिए सेवन. सेवन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. सभी सेम साइज के होते हैं. अब यहां पे मुझे बताइए कि एल की वैल्यू आप लोगों ने निकाला एस के लिए जीरो, तो मुझे बताइए कि एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. और आपने एम की वैल्यू अभी निकाला माइनस एल से लेके प्लस एल, यानी कि कितना हो जाएगा? पी वन वैल्यू है तो माइनस वन से लेके कितना जाएगा? माइनस वन, जीरो, वन, प्लस वन. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू. और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू एंड थ्री हो जाएगा. बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो. इसी चीज को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है एंड ये पी जेड होता है. और D को आप लिख सकते हो, मैंने जस्ट वही बताया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. मैं आपको ना एक बात बताता हूं,
कि अगर डी जेड स्क्वायर लिखा, मैं यहां पे भले लिख रहा हूं लेकिन डी जेड स्क्वायर कहां होगा, हमेशा जहां पे इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। ये लिखने का तरीका है, हमने लिख दिया, लेकिन यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। खैर आपको इतना चीजें सीखनी नहीं है, हमने यहां पे लिख दिया, या इसको हम लास्ट में भी भर सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारे पास इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डी वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहां इधर भी हो सकते इधर, हाँ लेकिन इतना कन्फर्म है कि डी जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज जीरो पे ही होगी। इतनी सी बात ठीक है, बाकी इधर उधर चेंज हो सकता है। अब इसका क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा, इसी कारण से एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, इसीलिए पी में कितने होते हैं 6, डी में कितने होते हैं 10 एंड एफ में कितने होते हैं 14, और सिमिलरली जो भी आएगा तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं 2 × L+1, अगर मैंने यहां पे एल जीरो रख दिया तो कितना हो जाएगा 2, और यहां पे एल पी के लिए 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पे 2L होगा। ये क्या बताएगा कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहां लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू ऑर्बिटल या ऑर्बिट। सॉरी ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पे ऑर्बिटल तो एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मैं यहां पे सबसेल कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सबसेल है, एक सबसेल पूरा पी होगा, पी के अंदर जो घर बने होंगे तो उसका जो फॉर्मूला हो जाता है 2 × 2L+1, ये फॉर्मूला है, कोई बच्चा भूल जाए लेकिन मैं कहूंगा कि 4 4 ऐड करते चले जाना, 2 है 4 6, 6 है 10, 10 है तो 14। अब जिनको याद नहीं है तो वो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एस के लिए, एल के लिए कितना है 0, यानी कि 0 × 2, और यहाँ पे 2 आ गया। अब पी के लिए 1 है तो यानी कि 2 + 2 + 1, यानी कि 3 × 2 6 हो गया। डी के लिए 2 है तो 4, और यहाँ पे 1 5, 5 × 2 10 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में जो है सबसेल में जो है आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलिए यहाँ मतलब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीज कहता है कि इसके लिए जो है एल के लिए 1 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू माइनस एल से लेके जो है क्या हो जाता है, −L2+L आ जाता है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया था, वो क्या बताया था, हमने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब कहोगे सर हमसे अगर जब कोई पूछ देता है कि कितने ऑर्बिटल होंगे तो आपको दो दो ऐड करते चले जाना, या 2 × L+1, ओके 2L+1, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 तो 1, अगर जब P की वैल्यू 1 तो 3, और यहां पे 2 की वैल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L+1 हो जाएगा। अब जिस ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल है एस के लिए निकालना है, तो एस के लिए एल की वैल्यू आपको पता है 0, तो यहाँ पे 0 तो यानी कि 1 हो जाएगा, पी के लिए 1 तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। एम की वैल्यू आपको याद रखनी है −L से लेके +L होती है। बोलिए क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सर एक बार इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने सारों में ये बता देंगे। हाँ बिल्कुल, अब वही क्वेश्चन पे आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ओके अब यहां से आपको मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं ताकि कि आप लोग जो ज्यादा से समझ सको। अभी हम स्पिन क्वांटम नंबर को, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद अगर जो थोड़ी बहुत आती हो तो वहां से काम बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि
कि मुझे 2p6 के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या डाउन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नीचे की ओर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। अब मुझे इसके लिए चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं। यहां से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू। और मैंने सेकेंड आपको पी किसके लिए बताया था? एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं? एल। कितना हो जाएगा? वन। वन। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? पी में। अभी आपको ना दो बातें, कभी भी आपको इन तीनों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ना तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, ना एजिमुथल क्वांटम नंबर में, ना स्पिन क्वांटम नंबर में। दिक्कत जो आएगी मैं पहले बता दे रहा हूं, वो कहां आएगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, कैसे? तनु बेटा, ये पी ऑर्बिटल है। तनु ले ले, ओके ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अब यहीं पे सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट है। अभी मैं 5-6 क्वेश्चन भी कराता हूँ। मान लेते हैं कि आपको, अभी मैं आपको इतना से बता दे रहा हूं कि पहले ना हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, इसी को कहते हैं हुंड्स रूल। अगर बच जाए तो पेयरिंग करना है। पहले सबको एक एक पूरी जरूर दीजिएगा, अगर बच जाए तो उसको जो है डबल करना है। ऐसा नहीं कि आधे लोगों को चार, अगर 5 बैठे हैं तो एक को जो है 4 दे दिए, दूसरे को 4 दे दिए, और तीसरे चौथे को कुछ भी नहीं देना है। नहीं, सबको एक एक देना है। सबको एक एक देने के बाद अगर जब बच जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। हाफ अप वाले को हुंड्स रूल कहते हैं, पेयरिंग वाले रूल को क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन कहते हैं, क्योंकि आगे हम बताएंगे कल किस वक्त क्लास में। ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसको कितना लेना है? -1। इसको कितना लेना है? 0। इसको कितना लेना है? 1। बोलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके अब आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा था। पहले हमने पेयरिंग किया, सॉरी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर पेयरिंग किया। पेयरिंग किया तो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा होगा। यानी कि एम की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ध्यान से सुनिएगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 2s1। अभी हम प्रिंसिपल जो है स्पिन क्वांटम नहीं बताए, इसलिए डायरेक्शन नहीं बताए। अभी मैं अगर आपको कहूं कि नीचे वाला डायरेक्शन है तो आप इसको -1/2 ले लीजिए। क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 ले लेते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि इस डायरेक्शन वाले को आप -1/2 लीजिए तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली हम लोगों का जो ट्रेडिशन है, आप इसी ट्रेडिशन को फॉलो कीजिएगा कि पहला ऊपर यानी कि क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मेरे को 2s के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। मेरे को किसके लिए निकालनी है? 2s1 के लिए। अब मुझे बताइए p की वैल्यू कितनी होगी? 1। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो देख के ही पता लग जाता है। दूसरा, एजिमुथल क्वांटम नंबर s के लिए कितना लेते हैं? 0। अब हमें क्या करना है कि m की वैल्यू निकालनी है। खैर यहां तो बड़ा आसान है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और s के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? 0। ये भी 0 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में है तो +1 हो जाएगा। ये तो थोड़ा ज्यादा ही आसान हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं 3d7 के लिए, ठीक है, या 3d6, ठीक है। 0 तो नहीं आ जाएगा, 6 ले लेते हैं। 0 आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, मुझे बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? 3। और मुझे बताइए यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी? 0, P के लिए 1, D के लिए 2। वेरी गुड। अब हमें M निकालना।
एम निकालने के लिए सबसे पहले डी ऑर्बिटल में कितने और डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो फाइव फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस टू से प्लस टू होगी, मैं लिख दू माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू। बोलिए यहां तक लिखने को कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहां पे लिखे, अब इलेक्ट्रॉन को भरना, छह इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक एक देंगे या पहले दो दो भरेंगे? एक एक, सबको एक एक दीजिए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे भर रहा है? माइनस टू में, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस टू। और मुझे बताइए कि इसका स्पिन कैसा है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? माइनस हाफ ले लेते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं फोर पी फाइव, फोर पी फोर ले लेते हैं, ठीक है? कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि जो मैं ले रहा हूं, आप अपने से एक बार बनाना। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी? फोर। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर हो जाएगी, ठीक है? अब मुझे बताइए कि L की वैल्यू कितनी होगी? वन। कितनी होगी? वन। वन, वेरी गुड। अब मुझे बताइए M की वैल्यू निकालना है, तो P ऑर्बिटल बनाएंगे, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन। वन टू थ्री, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाई करेगी? माइनस एल से लेके प्लस एल। एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस एल टू प्लस एल। अब यहां पे मुझे बताइए इसकी ये वाली वैल्यू कितनी होगी? माइनस वन। माइनस वन, ये क्या होगा? जीरो। ये क्या होता है? वन। इलेक्ट्रॉन को फिल करते पहले एक एक भरेंगे या डबल डबल कर दें? एक एक भरेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? पेयरिंग कर देंगे। फोर था। अब मुझे बताइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस, अच्छा लास्ट इलेक्ट्रॉन माइनस वन आ गया। स्पिन क्वांटम नंबर्स का कितना होगा? माइनस हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सीख रहे हैं ना कि कैसे, देखिए चार वहां पे अपना कोई भी वैल्यू दे देगा। अब जैसे मान लो कि अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं बताया, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलरली दे रहा हूं। अगर वो एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि 3d9 का आप लोग निकालिए, सभी लोग एक बार जरूर निकालिए, सॉरी चलिए 3d9 दे दिए हैं, दूसरा आप निकालिएगा 4f7 का, दो का आप लोग फटाफट से निकालिए, दो मिनट है फिर आप उसकी छुट्टी हो जाएगी केमिस्ट्री की क्लास से, बायोलॉजी की क्लास से नहीं। हाँ जी बोलिए अक्षरा। सर 3d9 का निकाला। 3d9 का निकाल लिए, ओके बोलिए क्या होगा? p सर, क्या होगा, सॉरी n क्या होगा? सर m इज इक्वल टू माइनस 2 n n n सर 3 प्रिंसिपल क्वांटम, वेरी गुड। और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 2 हो जाएगी। m की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले d ऑर्बिटल बना लेंगे, फाइव होते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे या डबल डबल? एक एक इलेक्ट्रॉन, सबको पहले एक एक पूरी खिलाएंगे, ठीक है? फिर उसके बच जाएगा तो पेयरिंग करेंगे, नाइन है तो यहां तक चले जाएगा। लास्ट वाले को मैं इससे कर देता हूँ ताकि कि आपको पता लगे इसकी वैल्यू, m की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? माइनस l से लेके प्लस l, माइनस टू माइनस वन सॉरी जीरो एंड वन कॉमा टू। अब इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कहां भर रहा है? वन में, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव हाफ। हाँ नीचे की है ना, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर लिखा माइनस, अगर ऊपर की ओर होता तो क्या ले लेते? पॉजिटिव ले लेते, ठीक है? अब मुझे बताइए कि 4F7 के लिए सर ओके, बहुत सारे बच्चों ने बता रहा है, ठीक है?
आप लोग बताइए एन की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, सभी को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और एल की वैल्यू कितनी लेंगे? थ्री। ठीक है, और एम की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेवन ऑर्बिटल बना लेंगे। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, एक और बना देता हूँ सिक्स। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। पहले एक एक पूड़ी खिलाइए सबको, वन 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 थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पे सेवन ही था तो कोई दिक्कत ही नहीं। और एम की वैल्यू जो होती है वो एल के लिए यानी कि माइनस थ्री से लेके कितना हो जाएगा, प्लस थ्री। माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री। ओके, अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है, थ्री में, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरेगा उसी के अनुसार से निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि किस टाइप का जो है ऑर्बिटल बन रहा है। और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार ऊपर डायरेक्शन में, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा मैं ना एक ऐसा ले लेता हूँ, एन इक्वल टू थ्री, एल इक्वल टू टू, एम इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, ये क्या मिलेगा, ठीक है, एन इक्वल, एम इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, ले लेता हूँ, और एस इक्वल टू माइनस हाफ ले लेता हूँ। कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसका बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सबसे पहले तुम लोग लिखते हैं एन यानी कि थ्री। टू किसके लिए होता है, एस के लिए जीरो, टी के लिए वन, और क्या हो जाएगा, डी। अब कितना इलेक्ट्रॉन है, तो डी में निकालते हैं। तो डी में कैसे निकालेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ज्यादा हो गया क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा पूरी खाने के लिए मन कर रहा है इन लोगों का। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस हाफ है, इसका मतलब है कि सभी जगह पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। माइनस हाफ कब आता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिल जाता है, तो यहाँ पे फाइव। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल की वैल्यू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे भर रहा है, माइनस पे, यानी कि यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ भी, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टू टू फोर टू सिक्स टू एट एंड एक नाइन, यानी कि थ्री डी नाइन हो गए। देखिए क्या यही स्ट्रक्चर है क्या, इनवर्स डायरेक्शन से भी चल सकते हैं। हाँ बोले शिवांशी। नो सर। ठीक है, कल सुबह आपकी एक आठ बजे से क्लास ले लूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है, उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चन कराने थे, और दोनों बैच का जो मिला